गाइस, मेडिसिन्स तो आपने बहुत बार ली होंगी, लेकिन क्या कभी सोचा है ये शरीर में काम कैसे करती हैं और कैसे टारगेट ऑर्गन तक पहुंचती हैं? सो आइए जानते हैं। हेलो गाइस, आई एम डॉक्टर राखी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डीआर हेल्थ वर्ल्ड। और आज हम बात करेंगे जनरल मेडिसिन्स की, कैसे ये काम करती हैं, कैसे बीमारी को ठीक करती हैं, एक्सटर्नली यूज़ करने वाली मेडिसिन्स और होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे काम करती हैं, ये हम अपकमिंग वीडियोस में बताएंगे। वेल गाइस, ज़्यादातर टाइम मेडिसिन्स दो तरीके से ली जाती है। फर्स्ट इंजेक्शन, जो कि डायरेक्ट ब्लड वेसल्स के थ्रू टारगेट सेल तक पहुंच जाता है और इंस्टेंटली अपना एक्शन शुरू कर देता है। सेकंड, डायरेक्ट फ्रॉम माउथ यानी ओरली। जब भी कोई दवा हम मुँह से खाते हैं तो वह बिल्कुल भोजन के जैसे पाइप के माध्यम से पेट में जाती है और वहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड होने की वजह से छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, डिसॉल्व होने लगती है। डिसॉल्व होने के बाद इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होती है और पोर्टल सर्कुलेशन से लीवर के पास भेज दिया जाता है। लीवर हमारी बॉडी का मोस्ट इंटेलेक्चुअल ऑर्गन है और फर्दर पाथवे यही तय करता है, और ये मेडिसिन पार्टिकल को डिटेक्ट करता है एंड उसे फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन से रोक देता है। अब सवाल ये उठता है, अगर लीवर मेडिसिन को रोक देता है फिर मेडिसिन काम कैसे करती है और टारगेट ऑर्गन तक कैसे पहुंचती है? सो गाइज, इसीलिए हम जो मेडिसिन खाते हैं उसकी डोज लीवर की कैपेसिटी से काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि लीवर उतनी ही मेडिसिन को रोक पाता है जितनी उसकी कैपेसिटी है, और एक्स्ट्रा मेडिसिन ब्लड वेसल्स के थ्रू टारगेट सेल तक पहुंचकर रिसेप्टर से बाइंड करती है, जिससे ब्रेन को डिजायरेबल सिग्नल जाते हैं और आपको रिलीफ मिलता है। लेकिन अगर सेम चीज़ बार बार हो तो लीवर की कैपेसिटी बढ़ने लगती है, और यही रीज़न है कि लॉन्ग टर्म तक सेम डोज में ली जाने वाली मेडिसिन काम करना बंद कर देती हैं और फिर डॉक्टर को मेडिसिन चेंज करनी पड़ती है या उसकी डोज बढ़ानी पड़ती है। वेल गाइस, ये एक सिंपल ओवरव्यू था कि मोस्ट ऑफ मेडिसिन ह्यूमन बॉडी में कैसे काम करती हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। साथ ही सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ऐसे ही यूजफुल वीडियोज़ पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।